अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे तो उम्मीद है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई चीज़, हैम्पर बॉक्स। आपको मैं हैम्पर बनाना सिखा रहा हूँ, और दूसरा ये कि मैं इसको डायरेक्शन टूल से भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूँगा पेन टूल के बारे में कि हम पेन टूल से किस तरह इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये पेन टूल मैंने लिया है और मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ कर लिया। मैंने जो है इसको जो है स्टॉक में कर लिया। ठीक है, ठीक है, आप मैं इसको किस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, हमें इस तरह ड्रॉ करना है पूरे बॉक्स को। और दोस्तों जब ये चीज़ बनेगी आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ बनने वाली है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मैं ये आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, क्योंकि लोगों को पता लगे कि हैम्पर किस तरीके से बनता है, रमज़ान का हैम्पर। ठीक है, ये हमारा ड्रो हो गया। कभी कभार ये पेन टूल मसला कर जाता है। खैर ये हमारा ड्रो हो गया पेन टूल से, मैंने इसको जो है उठा के रख लिया। अच्छा, मैं देख लेता हूँ कौन सी चीज़ क्या है, तो मैं इसको डायरेक्शन टूल से सही कर लूँगा। डायरेक्शन टूल लिया मैंने, डायरेक्शन से इसको मैंने इसको यहाँ रखा, इसको मैं थोड़ा सा उठा के यहाँ रख, इसको पढ़ा लेकर उठा के मैं पढ़ने चलिया। ठीक है, यह हमारा हमारा बॉक्स तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अब कलरफिल करेंगे। कलरफिल कैसे करेंगे, मैंने मूव टू लिया, इसको सिलेक्शन किया, आई टू मैंने कलर रखे हैं, मैं इसको ये कलर कर दिया, और इस बॉक्स में मैंने ये कलर कर दिया, इसको क्लिक करा, आई ड्रॉपर टूल से मैंने इसको ये कर दिया। अच्छा, आई ड्रॉपर टूल हमारा जो है कलर पिक करता है, और इसको मैंने चला कलर कर दिया, ऊपर यही कलर करा, और इस पर भी मैंने यही कलर। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा पूरा बॉक्स तैयार हो गया, रेडी। अच्छा, अब इस बॉक्स के अंदर मैंने चीज़ें डाली हैं, चीज़ें किस तरह डालेंगे ये मैं आपको बता दूं। चीज़ें मैंने रखी हुई हैं डाउनलोड करके। ठीक है, ये मैंने उठाई चीज़, उसको यहाँ रखी। अच्छा, लेफ़्ट क्लिक किया, मैंने इसको अरेंज किया, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, चीज़ हमारी आ गई। अच्छा, चीनी ले ली मैंने, चीनी को मैंने रखा, चीनी को भी इस तरह मैंने अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया। अच्छा, इस बॉक्स को क्लिक किया, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, और ये बॉक्स में लग चुका। चीनी को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, शुगर को सही, इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैं फ्रंट पर लिया ज़रा, इस बॉक्स को क्लिक किया, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, ये बॉक्स में अंदर चला गया। और क्या क्या चीज़ें हैं, जामिश्री, जामिश्री है एक, जामिश्री की बोतल उठाई मैंने, बॉक्स के अंदर कर दी, इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। अच्छा, इन दोनों को मैंने अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, बोतल को मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, तो मेरी बोतल आ गई। अच्छा, अब मेरी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, अब मेरी ये चार चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, मैंने चने की दाल ली, दाल को मैंने अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया, इसको थोड़ा छोटा करा मैंने, इसको इस बॉक्स को मैंने अरेंज क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, और रोबजर की बोतल के चने की दाल को कंट्रोल ब्रैकेट से मैंने पीछा कर दिया। ठीक है, और यह इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, और इस बॉक्स को क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ आ रहा होगा यकीनन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें इस बॉक्स के अंदर किस तरह डालनी है, थोड़ी मैनेज करना पड़ेगी, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये है कि आप लोग कर लेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप कर लेंगे। मैंने सब क्लिक किया, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट किया, और कंट्रोल ब्रैकेट से इसको मैंने पीछे कर दिया, ये देखें कंट्रोल ब्रैकेट, एक सेकेंड, ये कंट्रोल ब्रैकेट से मैंने इसको पीछे कर दिया,
थोड़ा टाइम लेता है ये पैकेट, मेरा कीबोर्ड को अच्छा मसला कर रहा है, लेकिन ये है कि आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं जानगी को मैं फ्रंट कर देता हूँ, इसको मैं लिया फ्रंट पे और इसको मैंने बॉक्स को क्लिक करके अरेंज पेंग टू फ्रंट कर दिया। निज़ामगी को थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने, इसको मैं यहाँ ले आया। शाजी शान मसाला, शान मसाला बहुत बड़ा हो गया, बल्कि शान मसाले को आप हमारी अभी कितनी चीज़ें रह गई, दो चीज़ें रह गई। शान मसाले को हम फ्रंट कर लेते हैं, ठीक है, शान मसाले को हम कर लेते हैं फ्रंट। क्यों क्लिक नहीं हो रहा, ये हो गया क्लिक, ये हमारा फ्रंट आ गया। ठीक है दोस्तों, ये अब इसको क्लिक करा, यहाँ रखा, ये क्लिक कर लिया और ये ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। सही है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, यहाँ लिया है ताकि हमारी जो दाल है वो हमारी वाजे हो जाए दाल। ठीक है, और अब हमारी दो चीज़ें रह गई हैं, एक ये रह गया है आटा और एक बेसन। आटे बेसन को हम यहाँ लिया है और आटे को उसके पीछे को हमने कर दिया लेफ्ट क्लिक करके अरेंज में जाके सेंड टू बेक। ठीक है, आटे को हमने छोटा करा, यहाँ आटा आ गया, ये पैसा आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लिया और थोड़ा सा और बड़ा कर लिया ताकि वादे तौर पर सेट हो जाए। सही है, यह हमारा पूरा हैम्पर तैयार हो गया। अच्छा, ये तो हमारा पूरा हैम्पर तैयार हो गया दोस्तों। अब इसमें मैंने अपना नाम लिखना है, नाम किस तरह लिखेंगे देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है इसमें नाम, रमज़ान का नाम और मैंने अपना नाम, ये मेरा नाम लिखा हुआ है जे डॉट एस ग्राफर, यानी इसको मैंने कॉपी किया। आपके लिए मैंने एक पेज दूसरा खोला हुआ, ये पेज खोला हमने। अच्छा, इसमें मैंने बता दी कि ये होता है, इस टूल का नाम है पर्सपेक्टिव गाइड टूल। इस पर्सपेक्टिव गाइड टूल को हम खोलेंगे और इसमें हम नाम कैसे पेस्ट करेंगे मैं ये बता दूँ। पर्सपेक्टिव टूल गाइड टूल से ये टूल आएगा, उसके बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ये टूल इसमें कैसे अरेंज होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी नहीं किया, दोबारा जा रहा हूँ, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी, ये कॉपी हो गया। अच्छा, मैंने दोबारा ये टूल खोला, इस पर हैंड आया, हैंड से लेफ्ट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर आए। ठीक है, इसको मैंने उठा के यहाँ रख लिया, एक सेकेंड क्यों नहीं हो रहा है, देखते हैं। ये ऐसे करके इस तरह आपने देखा, ये इस तरह बैठ गया है नाम। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल एक्स करा और उसके बाद मैं यहाँ आया और मैंने इसको यहाँ पेज कर दिया, इसको मैंने थोड़ा छोटा करा और सेंटर करा। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना नाम है। अच्छा, मैंने इसको अनग्रुप करा क्योंकि ये थोड़ा सा इसको मैंने सेट करना है ग्राफिक डिज़ाइनर को, ये थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, इसको मैंने थोड़ा सा सही कर लिया, अब थोड़ा मुझे ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, इसी तरह मैंने, अच्छा, इसको दोबारा आप चाहें तो ग्रुप कर सकते हैं, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, अब मुझे तरह इसी तरह इसको चाहिए तो मैं दोबारा कंट्रोल सी यहाँ से करूँगा, अपने पेज पर आऊँगा, कंट्रोल वी करूँगा, वही टूल जो मैं आपको बता रहा था पर्सपेक्टिव गाइड टूल, इस पर मैंने क्लिक किया, फिर इस जहाँ ये मुझे चाहिए, ये देखिए पहले ये ब्लू था अब ये ऑरेंज हो गया, ऑरेंज पे क्लिक करा, उसके बाद मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर आया, फिर इसको उठाया, इसको उठा के इस जगह पर आया जो मुझे यहाँ चाहिए, फिर मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लाके कंट्रोल वी किया, इसको उठा के मैंने यहाँ किया, थोड़ा छोटा कर लिया मैंने, छोटा कर लिया थोड़ा सा। इसमें भी मेरा नाम थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो मसला कर रहा है, इसको अनग्रुप किया और इसको मैंने थोड़ा सा सेट कर लेना है, इसको मैंने क्लिक किया, उसको थोड़ा सा रोटेट किया, ये देखें सही हो गया। ठीक है, अब थोड़ा बेहतर लग रहा, थोड़ा एनिमेशन से काफ़ी बेहतर लग रहा, सही है, इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अच्छा दोस्तों, अब देखें कि ये तो हमारा एम्बर तैयार हो गया, अब मैं चाह रहा हूँ इसमें लैम्प डालना, तो
ये लैम मेरे पास है, लैम आपको फ्री वेक्टर से मिल जाएगा, फ्री वेक्टर यानी मतलब फ्री पिक से मिल जाएगा, आप इसको फ्री पिक से उठा सकते हैं। मैंने अब इसमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है, इसको थोड़ा छोटा किया मैंने और यहाँ लगा दिया, इसको मैंने ऑरेंज रन कर लिया, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया है मैंने और यहाँ मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है, और इसको कॉपी करा। अच्छा, आल्टर से आल्ट का बटन दबा के इसको माउस से क्लिक करेंगे तो ये एज इट इज़ उसकी कॉपी निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने एज इट इज़ कॉपी उठा के इसकी यहाँ रखी और एज इट इज़ कॉपी उठा के मैंने उसकी यहाँ रखी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हैम्पर हो गया कंप्लीट नान के साथ, और ये आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, और ये एक नई चीज़ थी, मैंने कंट्रोल जी किया, इसको ग्रो कर दिया और इसको मैंने बड़ा कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, देख रहे हैं दोस्तों, अब ये अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये हमारा हैम्पर कंप्लीट हो गया रमज़ान के लिए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।